जो भी बनाते हैं उस्ताद जी बढ़िया बनाते हैं। कैसा आदमी है? बढ़िया है। नहीं यार, अच्छा आदमी तो है नहीं। अच्छे हैं। हेलो दोस्तों, दरअसल आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ गोपाल की शॉप पे। गोपाल के पास मैं आया था, करीबन एक से डेढ़ महीने पहले की बात होगी। मैं गोपाल के पास आया था और मुझे मन था कि मैं फ्रेंच फ्राइज हनी चिली पोटैटो के चक्कर में भी आया था। तो जब मैंने गोपाल की शॉप से हनी चिली पोटैटो लिए तो वाकई बहुत लजीज थे। आज मुझे लगा कि क्यों ना गोपाल के लिए एक वीडियो बनाया जाए। गोपाल एक्चुअली पहले एक रेस्टोरेंट में काम करता था, फिर कोरोना की वजह से रेस्टोरेंट बंद हुआ, नौकरी चली गई एक साल पहले, फिर उसने मेहनत की और उसके बाद अब ये इस स्टॉल को चलाता है अब। लेकिन साथ ही साथ परेशानियों में एक और ट्विस्ट ये था कि जो गोपाल का साथी था वो भी कोरोना के वक्त में धोखा दे गया, पैसे की मुसीबत भी पड़ी। गोपाल नेपाल का रहने वाला है लेकिन बड़ी मेहनत करके जैसे तैसे करके आज करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी कस्टमर उसके यहाँ आता है वो उसके टेस्ट को लेकर, उसके व्यवहार को लेकर उसके साथ जुड़ जाता है और एक बार आता है मतलब बार बार आता है। मैं भी आया हूँ और मैं अक्सर आता रहता हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता लेकिन हाँ मैं आता ज़रूर हूँ। तो चलिए, गोपाल की लाइफ क्या कुछ है, गोपाल का स्ट्रगल क्या कुछ है, कोरोना की वजह से क्या कुछ बदलाव हुए और उसको कैसे किस तरीके से धोखा मिला था, ये सारी बातें जानेंगे। गोपाल की एक छोटी सी स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मतलब 5 साल तक से नौकरी कर रहे थे हम, साथ में बैठते खाते पीते थे। अच्छा। तो ये कोरोना का लॉकडाउन में नौकरी छूटने के बावजूद, हाँ, तो हमने सोचा है चलो अब यार दोस्ती हो ही गया, हाँ, आई है पुराना हम बुढ़ापा का, इस उम्र में अब कोई गलत काम तो करेंगे नहीं, हाँ, ऐसे लगता भी नहीं था। ठीक। लेकिन सारे मैंने पेटीएम सारे उसको उसी का नाम से, सारे व्हाट्सएप का नाम से। अच्छा, जो पार्टनर था उसके नाम पे तुमने सारा अकाउंट, पैसे का हिसाब आप उसमें था सबको उस हिसाब से, तुम खाना बनाने पे ध्यान देते थे और वो पैसों का हिसाब रखता था, इसका इसकी पार्टनरशिप थी, भरोसा था, मतलब भरोसा था पूरा। ओ फिर तो उसने ऐसे करते करते एक दिन ऐसे बोला कि मेरा दोस्त आ रहा, हाँ, मुझे चाबी दे दो। अच्छा। मैंने बोला ठीक है भाई, अब तो अपना दोस्त से मिल ले लो और मिलने के बाद अपना कैंटीन बंद करके मेरे घर में चाबी छोड़ दो। अच्छा। फिर तो मैं ऐसे दोस्त से मिलने के लिए थोड़ा लेट हो गया, मैं अपने मोमरा मार्केट में घूमते रहा, हाँ, तो उसने उतने टाइम में सारे मतलब खाली करके ले गया। आज सुबह आके देखता हूँ तो कुछ नहीं था कैंटीन के अंदर, नमक तक का थैला तक नहीं था। अच्छा। मैं परेशान हो गया 2 दिन तक, हाँ। फिर मैंने बोला देखो अब जो हो गया हो गया, बच्चों ने बोला जो हो गया हो गया, अब थोड़ा बहुत पैसे का इंतजाम कर लेते हैं, हाँ, फिर खोल लेते दुकान। अच्छा। तो मैंने फिर 5,000 किसी से लेके, हाँ, उसके बाद में दुकान खोला। ओके। तो धीरे 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 मैंने हर चीज बढ़ाते गया। यहीं से मैंने कमाई से मेरा साइकिल भी ले लिया, हाँ, एक बच्चों को लिया मोटरसाइकिल भी ले लिया। ठीक। अब दुकान भी अच्छी चल रहा है, सब कुछ, हाँ, चल रहा है, हाँ, जो भी आते हैं लेकिन खुश होके जाते हैं। बहुत बढ़िया। ये नहीं कि पैसा दिया मैंने, वो देखो पीछे भी एक भैया पैसा दे रहे हैं, पैसा ले लो फटाफट से, चलो पैसा पकड़ लो, है ना। हाँ। ये है मेरा जो बड़ी उसने धोखा दे दिया, हाँ, फिर भी मैंने अपना हिम्मत से चला रहा हूँ। अच्छा, आपके जैसे और भी बहुत सारे रहे होंगे जो रेस्टोरेंट से आउट हुए होंगे, परेशान होंगे, है ना। हाँ जी, सब बहुत परेशान है, सब बहुत से दोस्त यार दोस्त परेशान है, लोग कोई विदेश भी चले गए मेरे साथ में जो करते थे। अच्छा। लेकिन मैं उम्र होने के बावजूद मतलब मेरे वहाँ जाने के लिए नहीं हो पाया। अब मैं सोच रहा चलो आप यहीं बैठे यहीं अपना गुजारा करें, लेकिन यार दोस्तों ने धोखा दे दी, तभी मेरा आप खुश हो, बढ़िया हूँ, काम अच्छा चल रही है, आगे और बढ़ाऊँगा। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाला मैं बराबर जनकपुर नेपाल का हूँ। जनकपुर नेपाल के? हाँ जी। अच्छा। लेकिन बाल बच्चा मेरा जो है दोनों लड़की यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं बैठ रहे हैं। अच्छा। अब उनको यहीं पढ़ाना है, अभी जब तक उनका पढ़ाई ख़त्म नहीं होगा तब पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। और अच्छा, उसके बाद में साइकिल कैसे खरीदी जरा उसके बारे में बताओ। साइकिल ये है, परेशान होता था मैं कि कंधे पे उठा के ले आता था रोज, अब मेरे को बच्चे बोलते थे पापा इतना वजन उठा के कैसे ले जाते हो, क्या कर बेटा पैसे वैसे आए नहीं लॉकडाउन में, एक तो यार दोस्तों ने इतना कर ही दिया काम, लेके भागी गया, अब चलो जो करते हैं जमा हुआ करके अभी साइकिल ले लो पापा बोला जो लड़की बसों ने, हाँ। तो मैंने बोला चलो ये साइकिल ले लेता हूँ, फिर मैंने ये 4200 का साइकिल ले लिया। जिंदगी तब भी खुश है, तब खुश है, बढ़िया सब कुछ है, चाहे बुरा वक्त आता है लेकिन अपने साथ साथ वो एक पॉजिटिविटी, एक अच्छा वक्त भी लाता है, अच्छी सीख भी लाके आता है, और हर हाल में खुश रहो, खुश रहना चाहिए, खुश रहो, खुश खुश में खाना बनाओ और खुशी खुशी सबको खिलाओ, सबको खिलाओ, अपना
सब आ जाता है यहाँ पे बढ़िया से। उस्ताद जी राम राम सलाम दुआ से राम राम अच्छा अच्छा ही करते हैं। ऐसा है मैं खाना खुद से बनाता हूँ, बढ़िया एकदम खुद से बनाता हूँ। अब ऊपर माता रानी का भी दुआ से भी मैं खुश रहता हूँ, अच्छी खाना बनाता हूँ कि बच्चों के साथ है। जैसे जब कोई आते हैं तो आप बच्चे आए जैसे लगता है। तो ये गोपाल हैं, गोपाल की पूरी स्टोरी आप लोगों ने सुन ली है। तो मतलब ठीक है, आप आइए, अगर आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं, आप प्रथला जा रहे हैं, आप गौर सिटी जा रहे हैं, नोएडा सेक्टर 18 की तरफ से आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ आ सकते हैं, रुक सकते हो, गोपाल का बना हुआ हाथ का खाना खा सकते हो। और नो डाउट फास्ट फूड है लेकिन बहुत टेस्टी है। और ऐसा नहीं है कि गोपाल के पास मैं आता हूँ तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप आएंगे, आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गोपाल के बनाए हुए हाथ के खाने में वाकई में ज़बरदस्त स्वाद है। और जब आप ये खाएंगे, यहाँ आएंगे, तो फिर आपको ये सब बात पता लगेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और गोपाल की शॉप पर आना भी बिल्कुल मत भूलना अगर आप नोएडा में घूम रहे हैं। तो सेक्टर 67 सेक्टर 70 का सामने चौक नज़र आता है, बस कट लेंगे आप तो सामने आपको ये हॉट नाइफ ये रेस्टोरेंट नज़र आ जाएगा। छोटा सा है लेकिन बहुत, जितना छोटा है इतना कॉम्पैक्ट है उतना ज़्यादा अच्छा बेहतर। और गोपाल का साथ मिल जाए खाना खाते समय तो यार मज़ा आ जाता है, उसके हाथ का खाना तो वाकई में दिलचस्प है। मतलब मैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी एक्सपीरियंस कीजिएगा।